नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शिंदे सरकार का एक महीना पूरा, अभी कैबिनेट विस्तार का कोई संकेत नहीं। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का एक महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कार्यालय में एक महीना पूरा कर रही है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 2.5 साल पुरानी महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन। शिंदे द्वारा शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के 10 दिन बाद सरकार बनाई गई थी। शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की 2.5 साल पुरानी महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया। फडणवीस ने सबको चौंकाया। ठाकरे सरकार के पतन के बाद ये व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि फडणवीस सेना के विद्रोहियों के समर्थन से तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे, लेकिन फडणवीस ने ये घोषणा कर सबको चौंका दिया कि शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और वो खुद नई सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन कुछ समय बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा बनने के लिए कहा। सत्ता में आने के बाद शिंदे सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से ट्रैक किया है, जिसे पिछली ठाकरे सरकार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बैक बर्नर पर रखा गया था। 2 हफ्ते पहले फडणवीस ने कहा था कि परियोजना में तेजी लाने के लिए सभी को मंजूरी दे दी गई है। नई सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धारासिफ करने के लिए कैबिनेट को मंजूरी दी। ठाकरे के इस्तीफा देने से ठीक पहले 29 जून को हुई एमवीए सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में इन शहरों का नाम बदलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि शिंदे और फडणवीस ने कहा था कि इन राज्यों का नाम बदलने का एमवीए सरकार का फैसला अवैध था, क्योंकि राज्यपाल ने इसे राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।